हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस और फेलियर दोनों ही लाइफ के इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं और इनसे हमें काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आज की हमारी मूवी इसी टॉपिक पर है, जो हमें सिखाती है कि फेलियर हमारा डर नहीं बल्कि इंस्पिरेशन बनना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरू में हम 13 साल की विच कीकी को देखते हैं, जो अपने डैड के रेडियो पर न्यूज़ सुन रही है। न्यूज़ में बताया जाता है कि आज रात को आसमान साफ रहने वाला है, और ये सुनते ही वो एक्साइटेड होकर अपनी मॉम कोकिरी से मिलने आती है, जो अपनी एक क्लाइंट मिस डोरा के साथ है। कीकी अपनी मॉम से कहती है कि मैं आज रात ही निकलने वाली हूँ, और ये सुनकर मिस डोरा उसके इस ट्रेडिशन के बारे में पूछती है। कोकिरी बताती है कि हर विच को 13 साल की उम्र में अपने लिए एक नया टाउन ढूंढना पड़ता है, ताकि वो एक साल सबसे अलग रहकर अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके। कीकी अपनी पैकिंग शुरू करती है और यहाँ हम उसकी कैट जीजी को देखते हैं, जो कीकी से बात कर सकती है। तभी उसके डैड भी घर आ जाते हैं, जो उसके लिए एक पिकनिक प्लान करने वाले थे। उन्हें भी ये खबर सुनकर बहुत हैरानी होती है, लेकिन वो उसके डिसीजन को मानकर उसका सपोर्ट करते हैं। रात को उनके रिलेटिव्स और कीके की फ्रेंड उसे अलविदा कहने आते हैं, और उसकी मॉम उड़ने के लिए उसे अपनी झाड़ू ऑफर करती है। सब लोग कीकी को चेयर करते हैं और वो जीजी के साथ अपने मिशन पर निकल जाती है। उड़ते हुए उसे रास्ते में एक और विच मिलती है, जो उसे बताती है कि उसका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने वाला है और उसने भविष्य देखने की स्किल सीखी है। फिर वो विच उसे बाय बोल कर अपने टाउन में चली जाती है, और कीकी को रियलाइज होता है कि उसने तो अभी तक ऐसी कोई स्किल नहीं सीखी है। तभी वहाँ बारिश होने लगती है, और बचने के लिए कीकी पास ही खड़ी एक ट्रेन में छिप जाती है। थकान और ठंड के कारण वो वहीं रात बिताने की सोचती है और वहाँ पड़ी घास में छुपकर सो जाती है। रात को ट्रेन उसे लेकर आगे बढ़ने लगती है, और सुबह आँख खुलने पर वो देखती है कि वो लोग बहुत दूर आ चुके हैं। तभी उसे सामने एक टाउन दिखाई देता है, जो बिल्कुल वैसा है जैसा वो ढूंढ रही थी, और वो जीजी के साथ वहाँ के लिए निकल जाती है। वो देखती है कि ये टाउन बहुत बड़ा है और यहाँ तो लोगों की भीड़ लगी हुई है। उसे लगता है कि यहाँ जरूर कोई दूसरी विच भी होगी, लेकिन क्लॉक टावर का गार्डियन उसे बताता है कि बहुत टाइम से उसने टाउन में किसी विच को नहीं देखा है। कीकी ये सुनकर बहुत खुश होती है और इसे ही अपना नया टाउन मानकर चेक करने निकल जाती है। लोग उसे झाड़ू पर उड़ता देखकर बहुत हैरान होते हैं, और कीकी भी उन्हें देखकर स्माइल करने लगती है। पहली बार इतना ट्रैफिक देखकर उससे वहाँ एक एक्सीडेंट हो जाता है, और वो किसी तरह खुद को बचाकर नीचे ले आती है। वो वहाँ खड़े लोगों से हेलो बोलती है, लेकिन जल्दी ही उसे रियलाइज हो जाता है कि यहाँ लोगों की लाइफ बहुत बिजी है। उसे इस तरह उड़ते देख एक पुलिस ऑफिसर वहाँ आता है और कहता है कि इस तरह तुम रूल्स को नहीं तोड़ सकती। कीकी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ऑफिसर उसका चालान काटने लगता है। तभी कहीं से चिल्लाने की आवाज़ आती है, और ऑफिसर कीकी को वहीं रुकने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। कीकी भी मौका देखकर दूसरी तरफ निकल जाती है, और तभी एक टोम्बो नाम का लड़का उसके पास आता है। वो उसे बताता है कि मैंने ही तुम्हें ऑफिसर से बचाया है, और मैं एक बार तुम्हारी झाड़ू चेक करना चाहता हूँ। कीकी को लगता है यहाँ सब लोग मतलबी हैं, और वो उसे खुद से दूर रहने को कहकर वहाँ से चली जाती है। आराम करने के लिए वो एक होटल में जाती है, लेकिन मैनेजर कहता है कि बिना उसके पेरेंट्स के वो उसे रूम नहीं दे सकता। कीकी को बहुत निराशा होती है, क्योंकि उसे लगता था कि उसके टाउन की तरह यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। चलते हुए वो एक ब्रिज के पास आती है और सोचती है कि ये टाउन उतना अच्छा नहीं है जितना मैंने सोचा था। तभी एक प्रेग्नेंट लेडी ओसोनो वहाँ आती है और अपने कस्टमर को आवाज लगाती है, जो अपने बेबी का पैसिफायर उसकी शॉप में ही छोड़ गई थी। कीकी उसे मुसीबत में देखकर उसकी मदद करने को कहती है, और उड़ते हुए पैसिफायर को बेबी तक पहुँचा देती है। पता चलता है कि ओसोनो अपने हस्बैंड फूको के साथ मिलकर एक बेकरी चलाती है, और वो कीकी की मदद के बदले उसे कॉफी पिलाने को कहती है। कीकी देखती है ओसोनो को विचेस बहुत पसंद हैं, और वो उनके ट्रेडिशंस के बारे में भी जानती है। ओसोनो उसे अपने पास ही रहने को कहती है, और ये सुनकर कीकी को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो उसे उसका रूम दिखाती है, जो थोड़ा पुराना है, लेकिन कीकी को इससे भी बहुत खुशी मिलती है। उसे यकीन हो जाता है कि टाउन में ओसोनो जैसे और भी अच्छे लोग होंगे, और वो किसी तरह यहाँ अपनी जगह बना लेगी। सुबह वो अपने साथ लाए पैसे काउंट करती है और सोचती है कि इनसे वो कोई काम शुरू कर सकती है। फिर वो बेकरी में ओसोनो की मदद करने जाती है और बताती है कि मैं एक डिलीवरी सर्विस शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास बस उड़ने की स्किल है। ओसोनो भी उसकी आइडिया की तारीफ करती है और कहती है कि इस काम के लिए वो उसका रूम और बेकरी का फोन भी यूज कर सकती है। कीकी भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बदले में बेकरी के काम में ओसोनो का हाथ बटाने का वादा करती है।
आगे वो अपने लिए कुछ शॉपिंग करने जाती है और देखती है कि वहाँ बहुत ही सुंदर सैंडल्स रखे हुए हैं। तभी अपने दोस्तों के साथ टोम्बो वहाँ आता है और की गुस्से में वहाँ से वापस आ जाती है। घर पर ओसोनो उसे बताती है कि उसके लिए काम आया है और ये सुनकर की बहुत एक्साइटेड होती है। वो तुरंत अपनी झाड़ू और एक मैप लेकर शॉप पर आती है और देखती है कि वहाँ उनकी पड़ोसी मिस मैकी खड़ी है। मैकी उसे अपने भतीजे कैट के लिए गिफ्ट डिलीवर करने को कहती है, जो असल में एक टॉय कैट है और देखने में बिल्कुल जीजी के जैसा है। की अपनी पहली इनकम पाकर बहुत खुश होती है और गिफ्ट को लेकर वहाँ से निकल जाती है। टोम्बो एक बार फिर उसे उड़ते हुए देखता है और ओसोनो से उसे पता चलता है कि वो उसी की बेकरी पर काम करती है। रास्ते में कुछ पंछी जीजी को बताते हैं कि तेज हवा आने वाली है और इससे पहले कि वो की को वॉर्न कर पाए उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिफ्ट के साथ नीचे गिर जाते हैं। की किसी तरह फिर ऊपर आती है और वो देखते हैं कि टॉय कैट नीचे ही कहीं गिर गया है। वो वापस नीचे जाना चाहती है लेकिन वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे पंछी हैं जिन्हें लगता है कि की शायद उनके अंडे चुराने आई है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो जीजी को पिंजरे में डालकर उसे टॉय बनने की एक्टिंग करने को कहती है। फिर वो उसे कैट को डिलीवर करती है जो उसे एक टॉय समझकर खेलने लगता है और की तुरंत असली टॉय को ढूंढने वहाँ से निकल जाती है। जीजी देखता है कि कैट के पास एक बहुत बड़ा डॉग है और वो मन ही मन की को जल्दी वापस आने को कहता है। की वापस उसी जगह आती है लेकिन उसके बहुत ढूंढने पर भी उसे कोई टॉय नहीं मिलता है। तभी उसकी नजर पास ही बने एक कैबिन पर पड़ती है और जाकर देखने पर उसे अंदर वही टॉय रखा हुआ दिखता है। पता चलता है कि ये कैबिन एक उर्सुला नाम की पेंटर का है और वो की को उसका टॉय वापस कर देती है। की देखती है कि टॉय फटा हुआ है और उर्सुला उसकी मदद करने के लिए टॉय को ठीक करने लगती है। उधर कैट के डॉग को देखकर जीजी की हालत खराब होने लगती है लेकिन वो नोटिस करता है कि डॉग उसे पसंद करने लगा है। इधर उर्सुला उस टॉय को ठीक कर देती है और की उसे लेकर कैट के घर की ओर निकल जाती है। कैट का डॉग भी जीजी को उठाकर घर के बाहर ले आता है जहां उसे की मिलती है। जीजी बताता है कि ये डॉग उनकी हेल्प करना चाहता है और डॉग की से टॉय कैट लेकर वापस अंदर चला जाता है। की भी वापस बेकरी की ओर चली जाती है और जीजी को बताती है कि उर्सुला मेरी एक पेंटिंग बनाना चाहती है। अगले दिन उसे एक और डिलीवरी के लिए फोन आता है जहां का पिकअप टाइम 4:30 बजे का है। वो बात कर ही रही होती है कि तभी टोमो उससे मिलने आता है। वो अपने फ्लाइंग क्लब में होने वाली एक पार्टी के बारे में बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें उसी के लिए इनवाइट करने आया हूँ। इससे पहले कि की उसे कोई जवाब दे वहाँ एक और क्लाइंट आ जाता है जो एक हैवी पैकेज को डिलीवर कराना चाहता है। की उसका बिल बनाने लगती है और टोमो शाम को 6 बजे आने को कहकर वहाँ से चला जाता है। की एक्साइटेड होकर ओसोनो को इनविटेशन के बारे में बताती है और कहती है कि टोमो के आने से पहले ही वो वापस आ जाएगी। पहले वो उस हैवी पैकेज को डिलीवर करती है और फिर जल्दी से उस दूसरे क्लाइंट के पास जाती है। पता चलता है कि ये एक ओल्ड लेडी है जो अपनी पोती के बर्थडे पर उसे एक पाई भेजना चाहती है। ओल्ड लेडी उसे बताती है कि माइक्रोवेव खराब होने की वजह से पाई तैयार नहीं हो पाई और उसे उसकी डिलीवरी के पैसे देने लगती है। की को उस पर तरस आ जाता है और वो वहाँ बने एक वुडन ओवन से उसकी मदद करने का प्लान करती है। वो एक मेट के साथ मिलकर ओवन को चालू करती है और वो लोग पाई के बेक होने का वेट करते हैं। फिर वो घर के बाकी कामों में उसका हाथ बटाती है और तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है जिसमें 6 बजने वाले हैं। उसे टोम्बो का ध्यान आता है और वो तुरंत पाई को लेकर उसकी डिलीवरी करने जाती है। रास्ते में मौसम फिर खराब हो जाता है लेकिन वो किसी तरह बारिश से बचते हुए उसकी पोती के घर पहुंच जाती है। वो लड़की की से बहुत बेरुखी से बात करती है और ऐसा लगता है जैसे उसे अपनी दादी के गिफ्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। की को भी उसका ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उदास मन से वहाँ से चली जाती है। इधर टोम्बो टाइम पर बेकरी पहुंच जाता है और काफी देर की का वेट करके अकेला ही पार्टी में चला जाता है। उसके वहाँ से निकलते ही की भी वहाँ पहुंच जाती है और ओसोनो के पूछने पर बताती है कि अब उसका पार्टी में जाने का कोई मूड नहीं है। सुबह ओसोनो देखती है कि भीगने के कारण की की तबीयत खराब हो गई है और वो उसे कुछ खाना और दवाइयाँ देती है। उसके ठीक होने के बाद ओसोनो उसे नीचे बुलाती है और कहती है कि आज तुम्हें मेरे लिए एक डिलीवरी करनी है। यहाँ उसे पता चलता है कि ये डिलीवरी टोम्बो के लिए है और ओसोनो ने उन दोनों को मिलाने के लिए ही ये प्लान बनाया था। की टोम्बो से पार्टी के लिए माफी मांगती है और वो भी खुश होकर साइकिल से बनाई एक फ्लाइंग मशीन दिखाता है। वो दोनों उस मशीन से टाउन में लैंड हुए एक जैपलिन को देखने जाते हैं और की को लगता है कि फाइनली उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया है।
टोम्बो से बात करके उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है। लेकिन तभी वहाँ टोम्बो के कुछ दोस्त आ जाते हैं। कीकी देखती है कि इनमें वो लड़की भी है जिसे वो पाई गिफ्ट करने गई थी, और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो एक बार फिर डिप्रेशन में चली गई है और काम ना होने की वजह से भी वो बहुत परेशान है। थाने पर जीजी उससे मिलने आता है और कीकी नोटिस करती है कि वो उसकी बात नहीं समझ पा रही। वो तुरंत अपनी झाड़ू को चेक करती है और देखती है कि उसकी उड़ने की शक्ति चली गई है। वो बाहर जाकर एक बार फिर ट्राई करती है, लेकिन इस बार उसकी झाड़ू टूट जाती है। दुखी कीकी ओसोनो को भी इस बारे में बताती है और कहती है कि अब से वो डिलीवरी का काम नहीं कर पाएगी। टोम्बो भी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कीकी उसे दोबारा कॉल करने से मना कर देती है और ओसोनो से कहती है कि वो अपने मिशन में फेल हो चुकी है। फिर एक दिन अचानक उर्सुला बेकरी में आती है और कीकी उससे दोबारा मिलकर बहुत खुश होती है। उर्सुला के पूछने पर वो उसे सारी बात बताती है और कहती है कि अब फिलहाल उसके पास कोई काम नहीं है। उसे उदास देखकर उर्सुला कुछ दिनों के लिए उसे अपने साथ चलने को कहती है और ओसोनो को बताकर कीकी उसके साथ ही चली जाती है। कैबिन में उसे एक सुंदर सी पेंटिंग दिखाई देती है और उर्सुला उसे बताती है कि ये मैंने तुमसे ही इंस्पायर होकर बनाई है। फिर वो उसकी एक और पेंटिंग बनाने लगती है और बताती है कि मैजिक और पेंटिंग का काम बिल्कुल एक जैसा है। आगे वो बताती है कि मैं भी एक बड़ी पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक मेरी इमेजिनेशन ने काम करना बंद कर दिया और मुझे लगा कि शायद मैं लाइफ में फेल हो गई हूँ। फिर किसी ने मुझे समझाया कि फेलियर लाइफ का एंड नहीं बल्कि शुरुआत है, और तब से मैं खुद को इम्प्रूव करने में लगी हूँ। वो कीकी को अपने अंदर एक नई उम्मीद जगाने को बोलती है और कहती है कि टाइम आने पर उसकी पावर्स अपने आप वापस आ जाएंगी। कीकी भी खुद को मोटिवेट करने का प्रॉमिस करती है और उस रात उर्सुला के वहीं सो जाती है। सुबह वो बेकरी में कॉल करती है और ओसोनो उसे बताती है कि उसकी पुरानी क्लाइंट ओल्ड लेडी ने उसे अपने घर बुलाया है। कीकी उर्सुला से अलविदा लेकर उसके घर पहुंच जाती है और देखती है कि उन्होंने उसके लिए केक बनाया है। ओल्ड लेडी उसे अपनी मदद के लिए थैंक्स बोलती है और उनका ये जेस्चर देखकर कीकी को भी बहुत अच्छा लगता है। तभी वो न्यूज में देखते हैं कि सिटी में बहुत तेज हवा चल रही है और उसके कारण वहाँ पार्क जैपलिन ड्रिफ्ट हो रहा है। कीकी देखती है कि जो लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनमें टोम्बो भी है और वो बेकाबू जैपलिन के साथ हवा में जा रहा है। वो ये देखकर घबरा जाती है और तुरंत उसकी मदद करने जाती है। इधर जैपलिन का कैप्टन टोम्बो से रस्सी को कसकर पकड़ने को कहता है, लेकिन उसे पता है कि वो ज्यादा देर तक इसे लटका नहीं रह पाएगा। कीकी भी भागते हुए मेन रोड तक आती है जहाँ कुछ फायर फाइटर्स भी टोम्बो की मदद करने जा रहे हैं। तभी उसे एक आदमी के हाथ में झाड़ू दिखाई देती है और वो कुछ देर के लिए उससे वो झाड़ू खुद को देने को कहती है। वो एक बार फिर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करती है और हम देखते हैं कि उसका मैजिक वापस आ गया है। जल्दी ही वो उड़ने लगती है और थोड़ी मुश्किलों के बाद झाड़ू पर उसका कंट्रोल बन जाता है। इधर जैपलिन सीधा क्लॉक टावर से जा टकराता है और गैस के लीक होने से साइड में बनी एक बिल्डिंग पर जा गिरता है। सब लोग देखते हैं कि टोम्बो का हाथ बस छूटने ही वाला है और तभी तेजी से उड़ती हुई कीकी वहाँ पहुँच जाती है। टोम्बो भी थका हुआ होने के कारण ज्यादा देर तक रस्सी नहीं पकड़ पाता और नीचे गिरने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो जमीन से टकराए कीकी उसे बचा लेती है और ये देखकर लोग बहुत खुश होते हैं। वो सेफली टोम्बो को नीचे ले आती है और ओसोनो और ओल्ड लेडी भी टीवी पर ये सब लाइव देखते हैं। कीकी का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और वो एक बार फिर अपनी डिलीवरी सर्विस शुरू कर देती है। टोम्बो की मदद से उसके कुछ और दोस्त बन जाते हैं और ओसोनो और फूको के लाइफ में एक नया मेहमान आ जाता है। एंड सीन में हम कीकी के पेरेंट्स को उसका लेटर पढ़ते हुए देखते हैं जिसमें लिखा है कि फाइनली उसे अपना नया घर मिल गया है, और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।